2024 लोकसभा चुनाव के आघात के साथ ही यूपी में सियासी पारा हाई हो गया है, जिसके चलते अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। प्रदेश में मुस्लिम वोटरों को भी साधने की कोशिश में सियासी दल पुरजोर कोशिश में लगे हैं। बीजेपी को प्रदेश में विपक्षी पार्टियां मुस्लिम विरोधी बता रही हैं, जिस पर सीएम योगी ने एबीपी नेटवर्क से बातचीत में मुस्लिमों को लेकर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। पहले तो शरीयत कानून पर सीएम योगी ने क्या कहा वो सुन लीजिए। सलमान की कौन चिंता नहीं हो रही है, उसको मकान मिल रहा है, उसको खाने के लिए मिल रहा है, उसके लिए उपचार के लिए मिल रहा है, लेकिन वो भारत का कानून भी तो माने। कानून भारत के अनुसार माने, भारत के संविधान को सम्मान करें, संविधान के अनुसार देश चलेगा। शरीयत हमारा व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन शरीयत संविधान से बड़ा तो नहीं हो सकता। और वह इस बात को माने, दे भारत की जनता तो सिर आंखों पर बिठाएगी। इस दौरान मदरसों के सवाल पर सीएम योगी ने कहा, हम मदरसों के आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, इसी पर हमारी सरकार काम कर रही है। गलत तरीके से कुछ मदरसे अनुदान ले रहे थे, जिसको लेकर ये कार्रवाई की। स्किल मैन पावर चाहिए, स्किल तो हमारे पास पहले से है, 25 करोड़ की आबादी पहले से ही है, नई आबादी मत बढ़ाइए। तो स्किल मैन पावर हमें चाहिए, अच्छे इंजीनियर चाहिए, और हमें इसके लिए अपने शिक्षण संस्थानों को उसके अनुरूप बनाना पड़ेगा। उस के अनुरूप बनाने के लिए ही हम लोगों ने बराबर इस कार्रवाई को किया। लेकिन हम लोग देखते थे बहुत सारी जगह इतना फर्जीफिकेशन होता था, इतना फर्जी काम होता था, कागज में कुछ नहीं है लेकिन सरकार से अनुदान दिया जा रहा है। अभी शुक्रवार को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया था, जिसका सीएम योगी ने स्वागत किया, कहा कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। हम इसका सम्मान करते हैं और इसको प्रदेश में क्रमबद्ध तरीके से हम लागू करके प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था को एक समान शिक्षण व्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, जहां पे जाति मत मजहब क्या था भी कोई भेदभाव नहीं होगा। एक भारत की राष्ट्रीयता का सम्मान करने वाली शिक्षा, भारत के संविधान को सम्मानित करने वाली, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान देने वाली शिक्षा, भारत के महापुरुषों का सम्मान देने वाली शिक्षा हम अपने सभी संस्थानों में। आगे सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव में यूपी में इंडिया गठबंधन कितनी बड़ी चुनौती है के सवाल पर जवाब दिया, कहा ये दो युवाओं की जोड़ी पहले भी फेल हुई थी और अब फिर होगी। देखिए गठबंधन 2017 में भी हो चुका था जी, ये दो युवाओं की जो जोड़ी है ना, ये 17 में भिड़ चुकी है यूपी में जी, और दोनों को प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छे ढंग से सबक सिखाया था, और यही कारण है कि गठबंधन के बावजूद भी दोनों भाई बहन उत्तर प्रदेश में आने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। ये बदलाव उत्तर प्रदेश है, अब यहाँ पे आकर के उत्तर प्रदेश के किसी संसदीय क्षेत्र में जाकर के झूठे वायदे करके आप जो है प्रदेश की जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। इस तरह से सीएम योगी ने एक के बाद एक जहां कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, तो वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन को भी आड़े हाथों लिया। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।